नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और यह है फायरबोल्ट विजनरी स्मार्ट वॉच जो हाल ही में लॉन्च हुई है अमेजोन पे। और यह लॉन्च हुई थी 3799 के स्पेशल लॉन्च प्राइस के साथ, लेकिन अब इसकी प्राइस बढ़ चुकी है। अब इसकी प्राइस है 4999। तो अगर आपको ये वॉच 4500 के अंडर मिलती है तो काफी अच्छी डील है, क्योंकि ये एक कूलिंग वॉच तो ही है लेकिन इसमें है एमोलेड डिस्प्ले और साथ में आप अपना जो ब्लूटूथ हेडसेट है उसे भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो अपनी इस वॉच से। बात करते हैं इसके मेन स्पेक्स की, तो इसमें है 1.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग, 368x448 का पिक्सल रेजोल्यूशन, 100+ स्पोर्ट्स मोड, वॉइस असिस्टेंट, कनेक्ट TWS, अपने ब्लूटूथ हेडफोन को आप कनेक्ट कर सकते हो, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी है। इसके अलावा है SpO2, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, बिल्ट इन माइक और स्पीकर, वेदर अपडेट्स, स्मार्ट नोटिफिकेशंस, बिल्ट इन म्यूजिक फंक्शन, म्यूजिक प्ले करने के लिए या म्यूजिक को स्टोर करने के लिए इसमें है 128 MB की स्टोरेज, तो आप डायरेक्टली जो सॉन्ग्स है या म्यूजिक है उसे स्टोर कर सकते हो इस वॉच में। और मेडिटेटिव ब्रीदिंग का भी फीचर दिया गया है। इसके अलावा इसमें कैमरा कंट्रोल और कैलकुलेटर का भी फीचर दिया गया है। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। तो हम करने वाले हैं इसका फुल सेटअप। हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किस तरीके से इसका सेटअप करना है, कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं इस वॉच में और इसके ऐप में। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे बॉक्स के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें मिलती है। तो ये है वो चीजें जो आपको मिलती है इस बॉक्स के अंदर। यह है यूजर मैनुअल, वारंटी इंफॉर्मेशन कार्ड, वारंटी को कैसे एक्टिवेट करना है इसमें बताया गया है, जो वेबसाइट इसमें दी गई है आपको लॉगिन करना है उस वेबसाइट पे, अपनी डिटेल फिलअप करनी है और फॉर्म सबमिट करना है। इसके बाद यह है गाना प्लस सब्सक्रिप्शन 3 महीने के लिए, बुक माई शो का गिफ्ट वाउचर और बोल्ड प्ले मेंबरशिप वाउचर। इन सभी वाउचर को क्लेम करने के लिए आपको सबसे पहले इस वॉच का रिव्यू पोस्ट करना पड़ेगा अमेजोन पे या जहां से भी आपने परचेस किया है वहां पे। फिर आपको उस रिव्यू का स्क्रीनशॉट सेंड करना है फायरबोल्ट को और फिर फायरबोल्ट देगा आपको कूपन कोड्स और फिर आप उनके जरिए इन वाउचर्स को रिडीम कर सकते हो। यह है मैग्नेटिक चार्जिंग केबल और स्मार्ट वॉच। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो इसे चार्ज करने के लिए आपको ऐसे अटैच करना है, ये अटैच हो जाता है इस तरीके से। चार्जिंग करने के लिए आपको लगेंगे 2 घंटे और इसमें है 250 mAh की बैटरी, आपको मिलेगा 5 दिन का बैटरी बैकअप। लेकिन अगर आप कॉलिंग का यूज करोगे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप। चार्जिंग करने के लिए आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच के बैटरी लाइफ के लिए, या आप अपने पीसी या लैपटॉप में जो यूएसबी पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। बात करते हैं इस वॉच के फिजिकल ओरियो की, तो वॉच में आपको मिलती है यहाँ पे 2 बटन्स, एक है सर्कुलर जो है क्राउन बटन जिसे आप प्रेस भी कर सकते हो और रोटेट भी कर सकते हो। फिर ये है बैक बटन, नीचे दी गई है, यहाँ पे माइक दिया गया है और इस साइड में आपको मिलेगा स्पीकर। बैक की बात करेंगे तो बैक में है हार्ट रेट, SpO2 और ब्लड प्रेशर सेंसर, 4-पिन चार्जिंग स्लॉट। इसका जो डायल फ्रेम है वो मेटालिक है, बटन्स भी मेटालिक है, जो बकल है ये भी मेटालिक है, 2 स्ट्रैप होल्डर दिए गए हैं। बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है और इसका लुक भी काफी बढ़िया है, स्ट्रैप्स की क्वालिटी भी काफी अच्छी है और आप इन्हें रिमूव भी कर सकते हो। हालांकि रिमूव करना इतना इजी नहीं है जितना कि पिन वाले स्ट्रैप्स में होता है, तो इन्हें रिमूव करने के लिए आपको स्ट्रैप्स को इस तरीके से बाहर की ओर खींचना है, खींचते रहिए, यह आसानी से निकलेगा नहीं और यह अब निकल चुका है। और इंसर्ट करने के लिए आपको इस साइड से इंसर्ट करना है और जाने देना है अंदर, लेवलिंग होने तक आपको इसे धकेलना है अंदर की ओर। अब ये लेवल हो चुका है, इस तरीके से आपको इंसर्ट करना है, तो काफी मुश्किल है इसे इंसर्ट करना और निकालना। वॉच को फर्स्ट टाइम स्विच ऑन करने से पहले आपको इसे एटलीस्ट 2 आवर के लिए चार्जिंग करना है, तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है, मैं करूंगा अब इसे स्विच ऑन। स्विच ऑन करने के लिए आपको जो नीचे वाली बटन है डाउन बटन, उस पर लॉन्ग प्रेस करना है और आपकी वॉच स्विच ऑन हो जाएगी। वॉच स्विच ऑन हो चुकी है, अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में
प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को डाउनलोड करना है, जिसका नाम है दाफिट। दाफिट इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसके बाद आपको इसे करना है ओपन। आपको अपना जेंडर, बर्थडे, डेट, मंथ और ईयर यहां पे सेट करना है। आपकी हाइट सेंटीमीटर में, आपका वेट केजी में सेट कीजिए। टिक पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए। फिर ऊपर में जो लिखा हुआ है टू ऐड, आपको उस पर टैप करना है। व्हाइल यूजिंग द ऐप, ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए अलाउ कीजिए। आपकी वॉच स्विच ऑन होनी चाहिए, आपको इंश्योर करना है। वेट कीजिए, यहां पे आपकी वॉच शो करेगी फायरबोल्ट 046, आपको इस पर टैप करना है। डिवाइस के टैप पे जाइए, यहां पे बैटरी परसेंट शो करेगा, मतलब कि समझ जाना कि आपकी वॉच पेयर हो चुकी है और पेयर करते ही एक अपडेट शो कर रहा है, तो हम करेंगे इसे अपडेट, तो इस पर टैप कीजिए। इसके बाद आपको पेयर का आएगा ऑप्शन, आपको पेयर करना है ताकि आप जो कॉल से अपनी वॉच में रिसीव कर सको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉच फेस की, किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, चेंज करना है। तो वॉच फेस पे टैप कीजिए, यहां पे आपको मिलेंगे इनबिल्ट 10 वॉच फेसेस, आपको जिसे अप्लाई करना है बस आपको उस पर टैप करना है, वो वॉच फेस अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हो डिस्प्ले इसका काफी शार्प है और ब्राइट है, क्योंकि इसमें है एमोलेड डिस्प्ले। अगर आपको और कई सारे डाउनलोड करने भी वॉच फेस, तो आपको मोर वॉच फेस पे टैप करना है, तो आपको मिलेंगे यहां पे 80 वॉच फेसेस। आपको जिसे डाउनलोड करना है आपको इस पे टैप करना है। जैसे कि मान लो मुझे डाउनलोड करना है ये वॉच फेस, तो मैं इस पे टैप करूंगा और करूंगा डाउनलोड। तो आप इस तरीके से किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। ये अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हो वॉच में। अगर आपको खुद की फोटो सेट करनी है वॉच फेस पे, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। आपको वॉच फेस एड के सामने जो एडिट लिखा हुआ है उस पर टैप करना है। सिलेक्ट पिक्चर पर टैप कीजिए, जो फोटो आपको सेट करनी है उस फोटो पे आपको टैप करना है। मान लो मुझे इसमें से करनी है इस फोटो को, तो मैं इस पर टैप करूंगा। आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो अपने हिसाब से, और फिर आपको टिक पे टैप करना है। टाइम आपको कहां पे शो करना है, ऊपर या नीचे, तो आप यहां पे ऊपर या नीचे टाइम शो कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं नीचे ही रखूंगा टाइम को। टाइम के ऊपर आपको क्या शो करना है, मैं चाहता हूं टाइम के ऊपर स्टेप शो करें, तो मैंने स्टेप्स यहां पे शो किया है टाइम के ऊपर। और टाइम के नीचे मैं चाहता हूं डेट शो करें। इस तरीके से आप टाइम के ऊपर नीचे जो चाहते हो शो करना वो शो कर सकते हो। इसके बाद टेक्स्ट कलर, फ़ॉन्ट का कलर आपको कौन सा रखना है आप यहां से चेंज कर सकते हो। और फिर आपको करना है सेव पे टैप, सेव करने के लिए। इस तरीके से आप किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो अपने वॉच फेस पे, आप देख सकते हो इस तरीके से। अब आगे है नोटिफिकेशंस, तो आपको इस पे टैप करना है। अगर आप चाहते हो जो भी कॉल आए, मैसेज आए, आपको शो करे, तो आपको यहां पे इन्हें ऑन करना है और परमिशंस को अलाउ करना है। तो फोन को आपको ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए परमिशंस को, मैसेज के लिए भी ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए। और इनमें से आपको कौन से ऐप की नोटिफिकेशन देखनी है आपकी वॉच में, आपको उन ऐप्स को ऑन करना है। तो मैं चाहता हूं ट्विटर, सबसे पहले आपको करना है इनेबल। दाफिट को आपको ऑन करना है, अलाउ कीजिए, बैक जाइए। इसके बाद व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो आप जो यूज करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें आपको यूज करना है, ऑन करना है। और अगर आप चाहते हो जो भी एप्स आपके फोन में है सभी एप्स की नोटिफिकेशन आपको शो करे आपकी वॉच में, तो आपको अदर्स को ऑन करना है। अदर्स को ऑन करोगे तो सभी एप्स के नोटिफिकेशन आपको शो करेंगे आपकी वॉच में। लेकिन ऐसा करोगे तो आपकी वॉच में बैटरी बैकअप आपको काफी कम मिलेगा, इसलिए आपको अदर्स को नहीं करना है। जो काम के आपके लिए उन्हीं को आपको ऑन करना है। दोस्तों अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच पे। तो इस तरीके से कॉल आपको शो करेगा, कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा। यहां से आप इस कॉल को कट कर सकते हो, इसे एक्सेप्ट कर सकते हो, और वॉल्यूम को अप डाउन करने का यहां पे ऑप्शन है। रिंगिंग वॉल्यूम को आप यहां से मिनिमाइज कर सकते हो, और यहां से आपको करना है रिसीव। और ये आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। और फिर आप यहां से कर सकते हो इसे कट। अगर आपको कुछ समय के लिए अपनी वॉच पे कॉल को रिसीव नहीं करना है, तो आप कॉल के फंक्शन को ऑफ कर सकते हो, मतलब कि कॉल आएगा आपकी वॉच पे लेकिन आप उसे रिसीव नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, और आपको मिलेगा फोन कॉल का ये फीचर, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद कॉल आपको शो करेगा, कॉल का रिमाइंडर आएगा,
लेकिन आप कॉल को रिसीव नहीं कर पाओगे अपनी वॉच पे। तो आप देख पा रहे हो कॉल आपको इस तरीके से शो करेगा। इसे म्यूट करने का ऑप्शन है और इसे कट करने का ऑप्शन। म्यूट मतलब यहां से म्यूट होगा, यहां पे म्यूट नहीं होगा इस तरीके से। और अगर आपको कॉल को रिसीव करना है फिर आप वापस उस सेटिंग्स को ऑन कर सकते हो फोन कॉल को। अब कॉल आएगा तो आप अपनी वॉच पे रिसीव कर पाओगे। दोस्तों अब देखते हैं अगर आपको कोई भी एसएमएस आता है तो किस तरीके से शो करेगा। एसएमएस आ चुका है और इसका डिस्प्ले ऑन हुआ है। कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा ऊपर में। यहां पे हिंदी फॉन्ट सपोर्ट करते हैं लेकिन इमोजी सपोर्ट नहीं करते। और आप ऐसे स्वाइप करके मैसेज को रीड कर सकते हो। पूरा मैसेज हालांकि शो नहीं करेगा, 6-7 लाइन शो करेंगी। आप यहाँ पे उस मैसेज का टाइम या डेट देख सकते हो और ऊपर से आप डिलीट करने के बाद ही से डिलीट भी कर सकते हो। तो यहां से जो मैसेज होगा डिलीट हो जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा। तो व्हाट्सएप मैसेज में भी डिस्प्ले इसका ऑन होता है, वॉच करती है वाइब्रेट। और यहां पे मैसेज का जो प्रीव्यू है देख सकते हो। अगर आपने इसे देखना मिस कर दिया तो आपको फिर जाना है होम पेज पे, स्वाइप अप करना है और ये है वो मैसेज सेंटर। आपको जिस मैसेज को ओपन करना है उस पर टैप कीजिए। इस तरीके से आप उस मैसेज को रीड कर सकते हो और आप एक एक मैसेज को क्लियर भी कर सकते हो। ऊपर आपको मिलेगा डिलीट का आइकन या फिर आप सभी को एक साथ क्लियर कर सकते हो, क्लियर ऑल करके। आप यहां पे अपने लेटेस्ट 5 मैसेज को रीड कर सकते हो। फिर है अलार्म्स का ऑप्शन, तो आप एक साथ 3 अलार्म्स को सेट कर सकते हो। टाइम को सेट करने के लिए आपको टाइम पे टैप करना है, टाइम सेट कीजिए। ये है आवर और ये है मिनट। इसके बाद कौन से दिन के लिए आपको अलार्म चाहिए उस दिन को आपको सिलेक्ट करना है, फिर करना है सेव। इस तरीके से आप अलार्म को सेट कर सकते हो, यहां से ऑन ऑफ भी कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपने अलार्म सेट किए हैं आप अपनी वॉच में भी उन्हें देख सकते हो। और जब ये टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर वाइब्रेशन के साथ आपकी वॉच में। फिर है शटर, तो आप इसका यूज करके अपने वॉच में शटर बटन को ओपन कर सकते हो ताकि आप अपने फोन में फोटो कैप्चर कर सको। तो आपको शटर पे टैप करना है, व्हाइल यूजिंग द ऐप कीजिए। शटर यहां पे ओपन हो चुका है, आप टैप करके या शेक करके फोटो कैप्चर कर सकते हो। फ्लैश को यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो और कैमरा को यहां से रोटेट कर सकते हो। फिर है फेवरेट कॉन्टैक्ट्स, तो ये है कॉलिंग वॉच। तो आप इस वॉच में जो कॉन्टैक्ट्स है उसे भी सेव करके रख सकते हो। आपको इस पर टैप करना है। आप एक साथ अपने मैक्सिमम 8 कॉन्टैक्ट्स को सेव करके रख सकते हो। आपको ऐड पे टैप करना है। जो भी कॉन्टैक्ट्स को आपको सेव करना है उस नंबर पे आपको टैप करना है। जैसे आप उस नंबर पे टैप करोगे उसके सामने टिक हो जाएगी। तो मैं इसे अपने किसी भी 8 कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो मैंने 8 कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया है। फिर आपको करना है डन। जैसे ये कॉन्टैक्ट्स यहां पे शो कर रहे हैं सेम उसी ऑर्डर में आपको वॉच में भी शो करेंगे। अगर आप चाहते हो इन्हें ऊपर नीचे करना तो 3 बार पे आपको लॉन्ग टैप करना है और आप इन्हें ऊपर नीचे कर सकते हो इस तरीके से। अगर आपको इनमें से किसी भी नंबर को एडिट करना है या रिप्लेस करना है तो आपको एडिट ऑल पे टैप करना है। और मान लो आपको किसी को रिप्लेस करना है, मान लो आपको इसे निकालना है, तो इस पे टैप कीजिए। यहां से टिक रिमूव हो जाएगी और इसके प्लेस पे मान लो आपको ऐड करना है इसे। इस तरीके से आप जो कॉन्टैक्ट है उन्हें रिप्लेस कर सकते हो, ऐड और रिमूव कर सकते हो। फिर आपको करना है डन और सब कुछ हो जाने के बाद फिर आपको लास्ट में करना है डन। जो कॉन्टैक्ट होंगे 1 by 1 सिंक होंगे आपकी वॉच में, लेकिन आपको इसमें ऐसा कोई भी नंबर ऐड नहीं करना है जिसमें हैश या स्टार हो। अगर आप ऐसा कोई नंबर ऐड करोगे तो आपके कॉन्टैक्ट सिंक नहीं होंगे। तो सारे 8 कॉन्टैक्ट सिंक हो चुके हैं। तो अगर आप जाओगे फोन ऐप में, ये रहा फोन कॉल कॉन्टैक्ट में, ये रहे वो कॉन्टैक्ट जो आपने सिंक किए हैं, यहां पे शो कर रहे हैं। फिर है अदर्स का ऑप्शन, तो इसमें पहले है फाइंड डिवाइस। तो अगर आपको अपनी वॉच को ढूंढना हुआ, मान लो आपकी वॉच कहीं पे पड़ी हुई है आपको मिल नहीं रही है, तो आप इस पे टैप करके अपनी वॉच को ढूंढ सकते हो। इस पे टैप करोगे तो आपकी वॉच का डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और आपकी वॉच 3 बार वाइब्रेट करेगी। फिर टाइम फॉर्मेट, तो आप कौन से फॉर्मेट में टाइम को शो करना चाहते हो, 24 या 12, तो आप यहां से चूज कर सकते हो। आप यहां पे देखोगे अब यहां पे 12 आवर का फॉर्मेट है। अगर मैं 24 करूंगा तो यहां पे टाइम चेंज हो जाएगा। आपने देखा टाइम चेंज हो चुका है। तो आप अपने हिसाब से यहां पे जो फॉर्मेट सेट करना चाहते हो उस फॉर्मेट में टाइम को शो कर सकते हो। फिर है यूनिट सिस्टम, तो नॉर्मली हम इंडिया में यूज करते हैं मेट्रिक, ताकि हमारा डिस्टेंस मीटर या किलोमीटर में और हमारा वेट केजी में शो करे।
लेकिन अगर आप इंपीरियल करोगे तो आपका डिस्टेंस माइल्स में शो करेगा और आपका वेट पाउंड्स में शो करेगा, तो हम करेंगे मेट्रिक। फिर है डू नॉट डिस्टर्ब मोड, तो आपको यहां पे टाइम सेट करना है, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, जो टाइम आप सेट करोगे उस टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा। अब ये फीचर काम करेगा मतलब कि आपकी वॉच में कोई भी कॉल या नोटिफिकेशन नहीं आएंगे और आपकी वॉच साउंड भी नहीं करेगी और वाइब्रेशन भी नहीं होगा। आगे है रिमाइंडर्स टू मूव, मतलब कि सेडेंटरी रिमाइंडर, तो अगर आप एक घंटे के लिए बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे ही बैठे हुए हो आइडली, तो आपको आता है एक अलर्ट कि अब आपको चलना चाहिए, उठना चाहिए, तो आपको इसे ऑन करना है। ऑन करोगे तो सुबह के 10 से लेकर रात के 10 बजे तक हर एक घंटे आपको अलर्ट आएगा, अगर आप हर एक घंटे कोई भी एक्टिविटी नहीं करते तो। आगे है कंटिन्यूस हार्ट रेट डिटेक्शन, तो आप अपनी वॉच में हार्ट रेट को ऑटोमेटिक पे सेट कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे टाइमर सेट करना है। मान लो मैंने टाइमर सेट किया है 30 मिनट, मतलब कि हर आधे घंटे में मेरी वॉच में हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर होता रहेगा, लेकिन इससे बैटरी ज्यादा यूज होती है इसलिए मैं इसे क्लोज करूंगा और मैं जब चाहे तब अपनी वॉच में मैन्युअली हार्ट रेट को मेजर कर सकता हूं ताकि बैटरी ज्यादा यूज ना हो। फिर है कंट्रोल फोन म्यूजिक, तो अगर आप अपने फोन के म्यूजिक को कंट्रोल करना चाहते हो अपनी वॉच के जरिए, तो आपको इसे ऑन करना है। आगे है बैटरी सेविंग, अगर आप बैटरी सेविंग को ऑन करोगे तो होंगी चार चीजें, ब्राइटनेस कम हो जाएगी, वाइब्रेशन ऑफ हो जाएगा, कूलिंग का फीचर ऑफ हो जाएगा और जो क्विक व्यू है मतलब कि रेस्ट टू वेक का फीचर वो भी ऑफ हो जाएगा। तो जब आपकी वॉच में बैटरी कम है तब आप इसका यूज कर सकते हो बैटरी को सेव करने के लिए। लैंग्वेज आपको इंग्लिश रखनी है। ऑटो लॉक मतलब कि डिस्प्ले कितने सेकंड के लिए ऑन रहना चाहिए, मैक्सिमम आप 30 सेकंड तक रख सकते हो। मान लो मैंने किया है 30 सेकंड डिस्प्ले, अगर मैं इसे ऑन करूंगा तो अब ये 30 सेकंड तक ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बैटरी सेव करना है तो आप 10 या 15 सेकंड पे सेट कर सकते हो। फिर है रिसेट का ऑप्शन, तो अगर आप इस ऐप का डेटा और इस वॉच में जो भी डेटा है उससे इरेज करना हुआ तो आप रिसेट कर सकते हो यहां से। फिर है क्विक व्यू का फीचर, मतलब कि रेस्ट वेक का फीचर। डिस्प्ले अगर आपकी वॉच में ऑफ है, अगर आप वॉच को ऊपर उठाओगे डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, इसे कहते हैं रेस्ट वेक का फीचर, आप देख सकते हो। तो आपको अगर इसे ऑन करना है तो ऑन कीजिए, आप इसे टाइम के हिसाब से भी यूज कर सकते हो। आपको यहां पे टैप करना है, टाइम सेट करना है, जो टाइम आप सेट करोगे उस टाइम के दौरान ही ये फीचर काम करेगा। अगर आप चाहते हो ये फीचर हमेशा काम करे तो आपको इसे चेंज नहीं करना है। फिर है ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, तो आप पानी पीने का जो रिमाइंडर है उससे भी सेट कर सकते हो, तो आपको इसे ऑन करना है। सुबह में कितने बजे से आपको स्टार्ट करना है पानी पीना, तो आप जो स्टार्टिंग टाइम है उसे सेट कर सकते हो। मान लो मैंने किया है सुबह के 9 बजे। इसके अलावा आपको कितनी बार पानी पीना है दिन में, तो मैं करूंगा मान लो 10 बार। और हर कितने टाइम के बाद आपको पानी पीने का रिमाइंडर चाहिए, तो मान लो मैंने किया है यहाँ पे 120 मिनट, मतलब कि 2 घंटे, तो हर 2 घंटे मुझे पानी पीने का रिमाइंडर आएगा। फिर है हार्ट रेट वार्निंग, तो अगर आपका हार्ट रेट बाय डिफॉल्ट 192 पे पहुंचता है तो आपको आएगा एक अलर्ट आपकी वॉच में कि आपका हार्ट रेट अपर लिमिट में पहुंच चुका है। लेकिन अगर आप इसे कम करना चाहते हो तो आपको इसे ऑन करना है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे जितना चाहते हो उतना सेट कर सकते हो। मान लो मैंने किया है 150, तो मेरा हार्ट रेट अगर 150 या उसके ऊपर पहुंचता है तो मुझे आएगा हार्ट रेट वार्निंग मेरी वॉच में। फिर है वेदर इंफॉर्मेशन, तो अगर आपको वेदर देखना हुआ आज का और अगले 6 दिन का आपकी वॉच में, तो आपको इसे ऑन करना है। हर घंटे वेदर अपडेट होता रहता है। टेम्परेचर सिस्टम आपको सेल्सियस रखना है। सिटी आपको अपनी सर्च करनी है या अपना पिन कोड भी आप सर्च कर सकते हो। मान लो मेरी सिटी है मुंबई, तो मैं मुंबई सर्च करूंगा, मुंबई का वेदर शो करेगा आपकी वॉच में। और फिर लास्ट में है फीमेल लोगों के लिए फिजियोलॉजिकल साइकिल रिमाइंडर, तो अगर आपको अपने पीरियड को ट्रैक करना हुआ तो आपको इसे ऑन करना है। साइकिल डेज कितने होते हैं नॉर्मली, 28 डेज, तो आप सेट कीजिए। इसके बाद मेंस्ट्रुअल डेज कितने होते हैं, आपको कितने दिन के लिए पेन रहता है, वो डे आपको यहाँ पे चूज करना है। लास्ट टाइम आपको कब आया था पीरियड, वो जो डेट है आपको यहाँ पे सेट करनी है। इसके बाद रिमाइंडर मोड, तो आपको अगर पीरियड को ट्रैक करना है तो आपको मेंस्ट्रुअल रिमाइंडर को ऑन करना है। नेक्स्ट टाइम अब जब भी आपको पीरियड आने वाला होगा उस दिन आपको मिलेगा रिमाइंडर, और कितने बजे आपको रिमाइंडर चाहिए तो आप जो टाइम है उसे भी आप सेट कर सकते हो। मान लो मुझे चाहिए मॉर्निंग में 8 बजे 8 बजे, तो मैं 8 करूंगा। और आपका जो कैलेंडर है पीरियड का आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, और जो मंथ है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो इस तरीके से। फिर आगे है अपग्रेड का ऑप्शन, तो आप यहाँ पे अपडेट को चेक कर सकते हो, अगर कोई अपडेट अवेलेबल होगा तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। अब बात करते हैं
प्रोफाइल सेटिंग्स की, तो आपको लास्ट वाले टैब पे टैप करना है। प्रोफाइल पे टैप करके आप अपना जेंडर, बर्थडे, हाइट, वेट और स्टेप लेंथ मतलब कि कदमों की लंबाई चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से जब चाहे तब। इसके बाद है गोल, तो रोजाना आप कितने स्टेप चलना चाहते हो, आपका डेली स्टेप गोल कितना है, आप यहां से चेंज कर सकते हो। फिर है बैकग्राउंड ऑपरेशन प्रोटेक्शन गाइड, तो इसके लिए आपको करनी है दो चीजें, ताकि आपकी वॉच फोन के साथ बार बार डिस्कनेक्ट ना हो और आपका जो डेटा है अच्छे से सिंक होता रहे। तो आपको ओपन करना है इसे रिसेंट एप्स में, जाना है ऐप इन्फो में, बैटरी पे टैप कीजिए और जो पहला ऑप्शन है अनरिस्ट्रिक्टेड इस पे सिलेक्शन करना है। इसके बाद आपको वापस इसे करना है रिसेंट ऐप में ओपन और जो ऑप्शन है लॉग दिस ऐप इस पे टैप कीजिए, जो ऐप होगा लॉक हो जाएगा मतलब कि जो ऐप होगा ये बैकग्राउंड से कभी भी क्लियर नहीं होगा। फिर है गूगल फिट, तो अगर आप गूगल फिट का यूज करते हो तो आप अपना जो डेटा है इस ऐप का डेटा जैसे कि डिस्टेंस, किलो कैलोरी और स्टेप्स इन्हें आप सिंक कर सकते हो इस ऐप में। तो आपको इस पर टैप करना है, कनेक्ट करना है, परमिशन अलाउ करनी है। इसके बाद इस ऐप में जो भी डेटा होगा एक्टिविटी डेटा वो सिंक हो जाएगा गूगल फिट ऐप में भी और आप उस डेटा को गूगल फिट में भी देख सकते हो। अब बात करते हैं होम पेज की, तो ये है होम पेज, आपको मिलेगा यहाँ पे आपका एक्टिविटी और वाइटल्स डेटा। तो ये है आज का डेटा, टैप कीजिए, ये है स्टेप्स, आज आप कितने स्टेप चले हो, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी आपने बर्न की है और कितने मिनट आप एक्टिव थे यहाँ पे शो करता है। और आप ग्राफ पे स्लाइड करके चेक कर सकते हो कि आप कितने बजे कितने स्टेप चले थे। ये है डे वाइज, वीक वाइज और मंथ वाइज। अगर आपको किसी भी दिन का डेटा चेक करना हुआ तो आप इस पे टैप करके किसी भी दिन पे टैप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो इस तरीके से। फिर यह है स्लीप डेटा, तो अगर आप सोते हुए अपनी वॉच को पहनोगे तो आपका स्लीप डेटा रिकॉर्ड होगा, तो इस पे टैप कीजिए। टोटल आप कितने घंटे सोए थे, कितने बजे आपको नींद लगी, आप कितने बजे जागे यहाँ पे टाइम शो करता है। इसके अलावा यहाँ पे जो आप देख रहे हो ग्राफ में अलग अलग कलर वाइज, तो ये है डीप स्लीप, लाइट स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट और अवेक टाइम। रैपिड आई मूवमेंट मतलब कि रेम, जब आप सोते हो सपने देखते हो, जब आप सबकॉन्शियस माइंड में होते हो तब आपकी आंखें यहां से वहां मूव करती है, उस टाइम को भी रिकॉर्ड किया जाता है। और अवेक टाइम मतलब सोने के दौरान आप जब जागे थे तो उसे कहते हैं अवेक टाइम। तो यहाँ पे ग्राफ पे स्लाइड करके आप चेक कर सकते हो कि ये जो स्लिप थी ये कौन सी थी और कितने टाइम के लिए थी। इसके अलावा सेम यहाँ पे शो करता है पाई चार्ट में कि आपकी डीप स्लिप, लाइट स्लिप, रेम टाइम कितना था और आपको मिलता है आपका स्लिप क्वालिटी स्कोर कितना है, कौन से रेंज में है। और लास्ट 7 डे का आपका रिकॉर्ड यहाँ पे शो करता है। ये है डे वाइज, वीक वाइज और मंथ वाइज। अगर आपको किसी भी दिन पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक करना हो तो आपको इस आइकन पे टैप करना है और आप किसी भी दिन पे टैप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो इस तरीके से। फिर है हार्ट रेट डेटा, तो अगर आपने अपनी वॉच में हार्ट रेट को मेजर किया होगा तो यहाँ पे उसका डेटा शो करता है। लास्ट टाइम आपने कब मेजर किया था, कितना आया था रिजल्ट, यहाँ पे शो करता है, टैप कीजिए। तो ये है लास्ट टाइम की रीडिंग। और लास्ट 7 टाइम आपने मेजर किए थे हार्ट रेट को तो उनकी रीडिंग यहाँ पे शो करती है। आप मेजर पे टैप करके यहां से कमांड दे सकते हो, आपकी वॉच में मेजरमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा पहले से लेकर अब तक आपने जितनी बार भी हार्ट रेट को मेजर किया है उसका रिकॉर्ड अगर आपको देखना हुआ डिटेल में तो आपको इस आइकन पे टैप करना है। ये है वो डेटा, तो आपने कौन सी तारीख को कितने बजे मेजर किया था, कितना आया था रिजल्ट, यहाँ पे आप डिटेल में चेक कर सकते हो। फिर है बीपी मतलब कि ब्लड प्रेशर, तो लास्ट टाइम आपने कब मेजर किया था आपकी वॉच में और कितना आया था रिजल्ट, यहाँ पे शो करता है, टैप कीजिए। बीपी में होती है दो वैल्यू, एसबीपी और डीबीपी। एसबीपी 90-140 के बीच में होनी चाहिए और डीबीपी 60-90 के बीच में होनी चाहिए, मतलब कि आपका बीपी नॉर्मल है और आपने मेजर किया होगा लास्ट टाइम तो यहाँ पे शो करता है। और लास्ट 7 टाइम का जो रिकॉर्ड है यहाँ पे शो करता है, आप यहाँ पे मेजर पे टैप करके कमांड दे सकते हो, आपकी वॉच में स्टार्ट हो जाएगा मेजर होना। इसके अलावा पहले से लेकर अब तक आपने जितनी बार भी बीपी मेजर किया है अगर आपको उसका रिकॉर्ड देखना हुआ तो आपको इस आइकन पे टैप करना है। ये रहा वो डेटा, आपने कौन सी तारीख को कितने बजे मेजर किया था, कितना रिजल्ट आया था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिर है ब्लड ऑक्सीजन मतलब कि SpO2, नॉर्मली ये 95 या उसके ऊपर होना चाहिए। तो लास्ट टाइम आपने कब मेजर किया था, कितना आया था, यहाँ पे शो करता है, टैप कीजिए। और लास्ट 7 टाइम आपने जो भी मेजर किए थे SpO2 उनकी रीडिंग्स यहाँ पे शो करती है, आप यहाँ पे टैप करके कमांड दे सकते हो, आपकी वॉच में स्टार्ट हो जाएगा मेजर होना।
और अगर आपने पहले से लेकर अब तक जितनी बार भी SpO2 को मेजर किया है उनका रिकॉर्ड आपको देखना हुआ तो आपको इस आइकन पर टैप करना है। ये रहा वो डेटा, तो आपने कौन सी तारीख को कितने बजे मेजर किया था और कितना रिजल्ट आया था यहाँ पे शो करता है। फिर है आउटडोर रनिंग, तो आपकी वॉच में GPS नहीं है लेकिन आपके फोन में GPS है, तो आप अपने फोन का GPS यूज करके आउटडोर रनिंग कर सकते हो, मतलब कि लाइव रूट के साथ आप वर्कआउट कर सकते हो। आपको अपने फोन को साथ में लेकर वर्कआउट या रनिंग करना पड़ेगा, आपको टर्न ऑन करना है, अलाउ ऑल द टाइम करना है, बैक जाइए, स्टार्ट कीजिए, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया अब तक, कितना टाइम हुआ है, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी बर्न की है, कितनी पेस है, पेस का मतलब कि अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे तो आपको कितना मिनट लगेगा, यह है मिनट और यह है सेकंड, कितने स्टेप्स आप चले हो टोटल। इसके अलावा अगर आपको लाइव रूट देखना हुआ कि आप कौन से रूट पे वर्कआउट कर रहे हो तो आपको मैप पे टैप करना है, यहां पे शो करेगा आपका लाइव रूट। अगर आपको बैक जाना हुआ नॉर्मल में तो नॉर्मल पे टैप कीजिए और इसे स्टॉप करने के लिए लॉन्ग प्रेस कीजिए, अब ये पॉज हो जाएगा। अगर आपको इसे रिज्यूम करना है तो रिज्यूम करिए, अगर आपको इसे एंड करना है तो स्टॉप कीजिए। अगर आप चाहते हो ये डेटा सेव हो तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए करना है, तब जाके ये डेटा सेव होगा। इसके बाद है वॉकिंग, तो आपने जो भी लास्ट टाइम वर्कआउट किया होगा उसका डेटा यहाँ पे शो करेगा, लेकिन मान लो आपने पहले से लेकर अब तक जितनी बार भी वर्कआउट किया आपकी वॉच में उन सभी वर्कआउट को देखना हुआ डिटेल में, तो आपको लुक मोर ट्रेनिंग डेटा पे टैप करना है। तो ये रहे वो वर्कआउट, आपको जिसके बारे में डिटेल में जानना है आपको उस पर टैप करना है। ये है वॉकिंग के लिए, तो कौन सी तारीख को कितने बजे आपने किया था, आपका एवरेज हार्ट रेट कितना था और टाइम के हिसाब से आपका हार्ट रेट कैसे चेंज हुआ था आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके अलावा कितने टाइम के लिए किया था आपने, कितने स्टेप्स आप चले थे टोटल, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया था, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी आपने बर्न की थी, आपकी स्पीड कितनी थी, मतलब कि 1 घंटे में आपने कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था, आपकी पेस कितनी थी, एवरेज हार्ट रेट आपका कितना था, आपका हार्ट रेट कौन से जोन में था और कितने टाइम के लिए था, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। दोस्तों ये था ऐप के बारे में, अब हम देखेंगे आपको वॉच में कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स देखने मिलते हैं। दोस्तों इस वॉच में आपको मिलती है 2 बटन्स, ऊपर और नीचे, ऊपर वाली है राउंड बटन और नीचे वाली है रेक्टेंगल। जो राउंड बटन है उसके है 5 फंक्शन। सबसे पहला अगर आप होम पेज पे हो तो आप इस पे प्रेस करोगे तो आप मेन मेनू को एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से, तो इस पे प्रेस करने से होता है मेन मेनू ओपन। और अगर आप इस बटन पे डबल प्रेस करोगे तो जो मेन मेनू का स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा, तो आपको डबल प्रेस करना है। आप देखोगे अब ये हो चुका है इस तरीके से हनीकॉम व्यू में, वापस चेंज करना है डबल प्रेस कीजिए, तो आप इस तरीके से डबल प्रेस करके मेनू व्यू को चेंज कर सकते हो। अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो ओपन होगा एक्टिविटी मोड, मतलब कि वर्कआउट मोड, आप देख सकते हो इस तरीके से। अगर आप इस पे रोटेट करोगे तो आप स्क्रॉल कर सकते हो इस तरीके से, आप देख पा रहे हो मैं इसे रोटेट कर रहा हूं और ये स्क्रॉल हो रहा है स्क्रीन पे। इसके अलावा आप इन वॉच फेस को भी चेंज कर सकते हो, बस आपको करना है रोटेट, और आप देखोगे रोटेट करके आप वॉच फेस को चेंज कर सकते हो इस तरीके से। अब बात करते हैं डाउन बटन की, तो स्क्रीन को ऑन ऑफ करने के लिए आप इस बटन का यूज कर सकते हो, ऑफ और ऑन। हालांकि स्क्रीन अगर ऑफ हो तो आप दोनों में से किसी भी बटन पे प्रेस करके उसे लिट अप कर सकते हो इस तरीके से, और अगर आप डाउन बटन पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप अपनी वॉच को स्विच ऑफ कर सकते हो। मान लो आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो और वहां से अगर आपको बैक आना हुआ स्टेप बाय स्टेप, तो आपको प्रेस करना है नीचे वाली बटन पे और आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बैक आ सकते हो। इसके अलावा आप जेस्चर का यूज करके भी बैक आ सकते हो, आपको ऐसे स्वाइप करना है, इस तरीके से स्वाइप करके आप बैक आ सकते हो। होम पेज पे होते हुए अगर आपने स्वाइप अप किया तो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन सेंटर, आप अपनी नोटिफिकेशन यहां पे देख सकते हो, रीड कर सकते हो। और होम पेज पे होते हुए अगर आपने स्वाइप डाउन किया तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, आज की डेट और बैटरी लेवल यहां पे शो करता है। सबसे पहले है ब्लूटूथ कनेक्शन स्टेटस, मतलब आपकी वॉच अगर कनेक्टेड है आपके फोन के साथ तो जो बी का आइकन होगा ब्लू में शो करेगा। फिर है वाइब्रेशन को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, तो आप इस पर टैप करके वाइब्रेशन को ऑफ कर सकते हो, या अगर आपको वाइब्रेशन चाहिए तो ऑन कीजिए। फिर ब्राइटनेस को आप यहां पे स्लाइड करके एडजस्ट कर सकते हो, ब्राइटनेस काफी अच्छी है इस वॉच में। टॉर्च को आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो, बैक जाइए। और यह है थिएटर मोड, अगर आप इसे ऑन करोगे
तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी और वाइब्रेशन ऑफ हो जाएगा। अगर आपको थिएटर मोड को ऑफ करना है तो टैप कीजिए, अभी ऑफ हो जाएगा। फिर है वेदर इंफॉर्मेशन, तो अभी फिलहाल कितना चल रहा है वेदर यहां पे शो करता है, टैप करोगे तो आप डिटेल में जान सकते हो अभी फिलहाल कितना है और आने वाले 6 दिनों का वेदर कैसा रहेगा, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर के साथ आप यहां पे देख सकते हो। और बीच में आपको शो करेगा वेदर फोरकास्ट, मतलब कि वेदर कैसा होगा, सनी रेनी या क्लाउडी। और लास्ट में है सेटिंग्स का ऑप्शन, तो इस पर टैप कीजिए। पहले है डिस्प्ले, डिस्प्ले में सबसे पहले है ऑटो स्लिप, मतलब कि कितने सेकंड के बाद डिस्प्ले ऑफ होना चाहिए। अगर मैंने मान लो इसे 5 सेकंड के लिए रखा है, मतलब कि 5 सेकंड तक डिस्प्ले ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। आप इसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, आप मैक्सिमम इसे 30 सेकंड तक रख सकते हो। अब मान लो मैंने 30 सेकंड किया है तो डिस्प्ले 30 सेकंड तक ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। मेनू स्टाइल, तो यहां पे जैसे मैंने आपको बताया दो स्टाइल है, एक हनीकॉम ये रहा और एक है लिस्ट व्यू ये वाला। और इनके बीच में अगर आपको स्विच करना हुआ हनीकॉम टू लिस्ट, लिस्ट टू हनीकॉम, तो आपको डबल प्रेस करना है ऊपर वाले बटन पे। इस तरीके से आप स्विच कर सकते हो मेनू स्टाइल को। फिर है ब्राइटनेस, तो आप यहां से ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो स्लाइड करके। डायल स्विच, मतलब वॉच फेस को आप चेंज कर सकते हो, आपको जिसे सेट करना है उस पर टैप कीजिए और वो सेट हो जाएगा। या फिर आप होम पेज पे लॉन्ग टैप करोगे, इनके बीच में आप स्विच करके भी वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। अब मुझे ऐसा वॉच फेस रखना है जिसमें बैटरी परसेंट शो करे, तो ये है वो वॉच फेस जिसमें बैटरी परसेंट शो कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो 90%। इसके अलावा यहां पे शॉर्टकट्स भी दिए गए हैं, तो आप इस पर टैप करके डायरेक्टली स्टेप्स को ओपन कर सकते हो, इस पर टैप करके वेदर को ओपन कर सकते हो, इस पर टैप करके बीपी को ओपन कर सकते हो, और इस पर टैप करके आप जो स्लिप डेटा है उसे ओपन कर सकते हो। तो यहां पे आपको मिलते हैं कुछ शॉर्टकट्स। फिर है वाइब्रेशन, मतलब कि अगर कोई भी कॉल आता है तो आपको किस तरीके से अलर्ट चाहिए। सबसे पहले मोड, तो इसमें अब किया गया है वाइब्रेशन, मतलब कॉल आएगा तो आपकी वॉच केवल वाइब्रेशन करेगी, रिंगटोन नहीं बजेगी। अगर आप करोगे वाइब्रेशन एंड बेल, मतलब कि अगर कॉल आएगा तो वाइब्रेट भी करेगी आपकी वॉच और रिंग भी बजेगी। अगर आप ऑफ करोगे तो वाइब्रेशन भी नहीं होगा और कोई रिंग भी नहीं बजेगी। तो आप 3 तरीके से अपने अलर्ट मोड को सेट कर सकते हो। फिर है इंटेंसिटी, मतलब कि जो वाइब्रेशन है वो आपको कैसा चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए या सॉफ्ट चाहिए, तो आपके हिसाब से आप रख सकते हो। फिर है लो पावर मोड, जो हमने देख लिया है बैटरी सेविंग मोड। अगर आप इसे ऑन करोगे तो 4 चीजें होंगी। थिएटर मोड, अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपको पता है ब्राइटनेस कम हो जाएगी, वाइब्रेशन ऑफ हो जाएगा। फोन कॉल का जो फीचर है आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो वन टैप में। कॉल रिसेट, मतलब कि कॉलिंग फंक्शन का जो फीचर है रिसेट हो जाएगा, जो भी आपने कॉल किए हैं, जो कॉल हिस्ट्री है, जो भी कॉन्टैक्ट्स आपने सेव किए हैं, वो सब कुछ डेटा क्लियर हो जाएगा अगर आप कॉल रिसेट करोगे तो। फिर है AI वॉइस, मतलब कि आपके फोन में अगर गूगल असिस्टेंट है या सीरी है तो आप यूज कर सकते हो। अच्छी बात है कि आपका फोन अगर लॉक होता है ऐसे में भी आप इसका यूज कर सकते हो। टैप कीजिए। हाउ इज द वेदर टुडे? It will be partly cloudy with a high of 31 and a low of 27. Who won yesterday's match? India beat West Indies by 119 runs. India scored 225 for 3 in 36 overs and फिर है always on screen, मतलब कि always on display. तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच पे हमेशा क्लॉक शो करे, टाइम शो करे, तो आप दो स्टाइल में इससे ऑन कर सकते हो। एक तो होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल। तो अगर मैं करूंगा एनालॉग तो आप देखोगे इस तरीके से आपको शो करेगा, ये वॉच आपको शो करेगी। एओडी में ब्राइटनेस कम होती है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें कुछ ज्यादा ही कम है ब्राइटनेस। तो अगर आप आउटडोर में देखोगे टाइम को तो आपको ये शो नहीं करेगा, लेकिन आप अंधेरे में हो जहां पे लाइट कम है वहां पे ठीक से शो करेगा। डिजिटल तो इस तरीके से शो करेगा टाइम, आप देख सकते हो। और फिर है सिस्टम, तो इसमें आप रिस्टार्ट कर सकते हो अपनी वॉच को, स्विच ऑफ कर सकते हो और रिसेट भी कर सकते हो। जो भी डेटा होगा इस ऐप में और इस वॉच में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में है अबाउट, यहां पे आप जो अपना ऐप QR कोड है इसे स्कैन कर सकते हो दाफिट इसे ऐप को डाउनलोड करने के लिए, लेकिन हमने पहले ही डाउनलोड कर लिया इस ऐप को, तो अब आपको इसे स्कैन करने की जरूरत नहीं है। फिर वर्जन में आप जो इस वॉच का मॉडल नेम है, मैक एड्रेस है और सॉफ्टवेयर वर्जन है उसे चेक कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आप AOD का यूज करोगे तो आपकी वॉच में रेस्ट वेक का फीचर वर्क नहीं करेगा,
मतलब कि जब भी आप ऊपर उठाओगे वॉच को तो डिस्प्ले इसका ऑन नहीं होगा, आप देख सकते हो। होम पेज पे होते हुए अगर आपने स्वाइप राइट किया तो आपको मिलेगा यहां पे स्प्लिट व्यू, टाइम डेट शो करता है, वेदर, इसके अलावा जो भी आपने रिसेंटली ओपन किए थे या जो भी यूजफुल है एप्स या शॉर्टकट्स आपको यहां पे शो करेंगे, जैसे कि स्टेप्स डेटा, हार्ट रेट, SpO2, BP, फोन कॉल और वर्कआउट। और ये चेंज होते रहते हैं जिस तरीके से आप अपनी वॉच को यूज करते हो उस तरीके से, और आप इस पर टैप करके उन्हें ओपन कर सकते हो शॉर्टकट पर टैप करके। अब बात करते हैं शॉर्टकट्स की, तो जैसे आप स्वाइप लेफ्ट करोगे तो आपको मिलेगा सबसे पहले स्टेप्स डेटा, कितने स्टेप्स आप चले हो आज, ये है आज का डेटा। स्वाइप अप करोगे तो मैक्सिमम और मिनिमम शो करेगा कि एक राउंड में मैक्सिमम आपने कितने स्टेप्स चले थे, मिनिमम कितने स्टेप्स चले थे, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी आपने बर्न की है आज, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, किलोमीटर में शो करता है, और ये है आज का डेटा। ग्राफ वाइज आपको शो करेगा कौन से टाइम के बीच में आपने स्टेप्स चले थे। इसके अलावा आगे है स्लीप डेटा, तो आप कितने घंटे सोए थे, स्वाइप अप कीजिए, लाइट स्लीप, डीप स्लीप कितनी थी यहां पे आप चेक कर सकते हो, और लास्ट 7 डे का जो रिकॉर्ड है यहां पे ग्राफ वाइज शो करेगा। फिर इसके आगे है HR मेजरमेंट, तो हार्ट रेट आप यहां पे मेजर कर सकते हो, आपको टैप करना है, इसके बाद मेजरिंग स्टार्ट होगा, यहां पे मिलेगा आपको रिजल्ट। स्वाइप अप कीजिए तो आज का मैक्सिमम मिनिमम कितना रहा था यहां पे शो करता है, और आपका जो हार्ट रेट है वो कौन से जोन में है आज के लिए यहां पे शो करेगा। इसके बाद आगे है ब्लड प्रेशर मॉनिटर, तो अगर आपको BP मेजर करना हुआ तो टैप करना है, यह है लास्ट टाइम आपने जो मेजर किया था, टैप करोगे तो अब आपका मेजर होगा ब्लड प्रेशर। और स्वाइप अप कीजिए तो आज का SBP मैक्सिमम कितना रहा था और DBP मैक्सिमम कितना रहा था यहां पे शो करता है, और यह है लास्ट 7 टाइम जो आपने रिकॉर्ड मेजर किया था यहां पे शो करता है। इसके बाद आगे है SpO2 ब्लड ऑक्सीजन, तो आप टैप करके मेजर कर सकते हो, यहां पे मिलेगा आपको रिजल्ट। स्वाइप अप कीजिए तो आज का मैक्सिमम मिनिमम शो करता है, और लास्ट 7 टाइम जो आपने मेजर किया था उसका डेटा यहां पे ग्राफ वाइज शो करता है। फिर इसके बाद है फोन कॉल का फीचर, तो आपने जो भी कॉन्टैक्ट्स ऐड किए हैं यहां पे शो करेंगे आपके वो कॉन्टैक्ट्स, आपको जिसे भी कॉल करना है आप उस पर टैप करके कॉल कर सकते हो। जब आप कॉल करोगे तो आपको मिलेंगे यहां पे 4 ऑप्शंस, तो ये है वॉल्यूम के लिए, ये है माइक को म्यूट करने का फीचर, मतलब कि सामने वाला आपकी जो आवाज है सुन नहीं पाएगा क्योंकि आपने अपना माइक म्यूट कर लिया है। इसके बाद है कॉल को स्विच करने का ऑप्शन, तो अब ये जो कॉल है आपकी वॉच में रिसीव हो रहा है लेकिन आप चाहो तो इस कॉल को स्विच कर सकते हो अपने फोन में, तो इस पर टैप कीजिए, जो कॉल है स्विच हो चुका है फोन में, लेकिन आपको अगर आना है वापस वॉच में तो टैप कीजिए, अब जो कॉल है आपकी वॉच में आ चुका है और आप यहां पे टैप करके इसे कट कर सकते हो इस तरीके से। और फिर है डायल पैड, तो आप अगर किसी भी नंबर को डायल करके कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आप यहां पे डायल कर सकते हो उस नंबर को और कॉल कर सकते हो बड़ी आसानी से इस तरीके से। और जो भी आप कॉल करोगे अगर आपको देखनी हुई हिस्ट्री तो रिसेंट कॉल में आपको मिलेगी आपकी कॉल हिस्ट्री, आप यहां पे अपने लेटेस्ट 4 कॉल्स को देख सकते हो, और अगर आपको वापस इन्हें कॉल करना हुआ तो टैप कीजिए, वापस आप उन्हें कॉल कर सकते हो इस तरीके से। हालांकि आप कॉल हिस्ट्री को इरेज नहीं कर सकते, जैसे जैसे आप कॉल करोगे उस तरीके से यहां पे ये कॉल हिस्ट्री अपडेट होती रहेगी। फिर इसके बाद है वॉइस असिस्टेंट, जो हम देख चुके हैं, वेदर इंफॉर्मेशन ये भी देख चुके हैं। फिर इसके बाद है शॉर्टकट्स को और ऐड करने का ऑप्शन, तो आप शॉर्टकट्स को ऐड कर सकते हो, प्लस के साइन पे टैप कीजिए, यहां पे है ब्रीदिंग वर्कआउट, स्टॉपवॉच, अलार्म, शटर, वर्कआउट मोड, फ्लैशलाइट, कैलकुलेटर, पीरियड ट्रैकर, टाइमर, मैसेज और म्यूजिक। तो मैं चाहता हूं यहां पे ऐड करना शटर को, इसके बाद कैलकुलेटर को, फिर इसके बाद म्यूजिक को, और अगर आपको किसी को रिमूव करना हुआ तो आप लॉन्ग टैप करिए, फिर आप माइनस के साइन पर टैप करके उससे रिमूव भी कर सकते हो उस तरीके से। तो ये है कैलकुलेटर, आपको मिलता है कैलसी का भी फीचर, तो आप यहां पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। इसके बाद है म्यूजिक प्लेयर, तो टैप कीजिए, म्यूजिक प्ले होगा, आपकी वॉच में म्यूजिक प्ले हो रहा है। नेक्स्ट, प्रीवियस, वॉल्यूम यहां से एडजस्ट करिए,
ये जो म्यूजिक प्ले हो रहा है ये वो म्यूजिक है जो आपने अपने फोन में स्टोर किए हैं, फोन का म्यूजिक प्ले हो रहा है, लेकिन आप चाहते हो आपकी वॉच में जो म्यूजिक आपने स्टोर किया है वो मुझे प्ले करना है, तो आपको यहाँ पे टैप करना है और करना है लोकल म्यूजिक। तो आपकी वॉच में जो है सॉन्ग वो प्ले होंगे। और इनकी लिस्ट भी आप देख सकते हो, आपको स्वाइप अप करना है, ये रहे वो सॉन्ग, टैप करके आप उसे डायरेक्टली प्ले कर सकते हो, इस तरीके से शफल कर सकते हो, यहां पे रिपीट कर सकते हो। आपको मिलती है इस वॉच में 128 MB की मेमोरी, मतलब कि मान लो अगर एक सॉन्ग 6 या 7 MB का होता है तो आप 20 सॉन्ग्स को स्टोर करके रख सकते हो आपकी वॉच में। तो ये है वॉच का म्यूजिक, अगर आपको वापस फोन का म्यूजिक प्ले करना है तो ये है फोन का म्यूजिक। तो अब हम देखेंगे आपको किस तरीके से इस स्मार्ट वॉच में म्यूजिक को स्टोर करना है और किस तरीके से आप अपने TWS को कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली अपने वॉच के साथ। तो आपको चाहिए होगा OTG अडाप्टर, या आप अपने PC में अपनी वॉच के केबल को डायरेक्ट कनेक्ट करके भी ट्रांसफर कर सकते हो MP3 फाइल्स को, लेकिन हम करेंगे अपने फोन के जरिए। तो आपको OTG अडाप्टर में जो चार्जिंग केबल है स्मार्ट वॉच का उसे कनेक्ट करना है, जो चार्जिंग केबल है अटैच करना है स्मार्ट वॉच में। और जो OTG अडाप्टर का जो दूसरा एंड है केबल का फोन के साथ कनेक्ट करना है। तो यहां पे चार्जिंग शो कर रहा है आप देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको आपके फोन में जाना है माई फाइल्स ऐप में, आपको मिलेगा USB स्टोरेज 1 लिखा हुआ, आप देख पा रहे हो 120 MB स्टोरेज यहां पे शो कर रही है। आपको इसे ओपन करना है, पहले से 3 म्यूजिक यहां पे स्टोर है जैसे हमने प्ले किया था, तो आपको इसमें ऐड करना है। तो हम करेंगे अपने ऑडियो फाइल्स को, मान लो मुझे स्टोर करना है ये फाइल्स, तो मैं इन पे करूंगा लॉन्ग टैप करके सिलेक्शन, ठीक है। और फिर आपको करना है कॉपी, और उस स्टोरेज में आपको इसे करना है कॉपी हियर। तो हमने जो सॉन्ग्स है उसे मूव कर लिया है, अब 120 MB में से 75 MB फुल हो चुकी है। आप और ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, इस तरीके से हमने ऐड कर लिया है, ठीक है। अब ये फाइल आपको शो करेंगी आपकी वॉच में, आप सेम प्रोसेस अपने PC या लैपटॉप से भी कर सकते हो, उसके लिए आपको फिर अडाप्टर का यूज नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप अपने चार्जिंग केबल को कनेक्ट कर सकते हो अपने PC या लैपटॉप के USB पोर्ट में। तो हम इसे करेंगे सबसे पहले अनमाउंट, अनमाउंट करने के बाद अब सबका काम हो चुका है, अब हमें जरूरत है स्मार्ट वॉच और TWS की। तो स्मार्ट वॉच और TWS, तो आपको जाना है म्यूजिक प्लेयर में, यह है म्यूजिक प्लेयर, फिर आपको इस पे टैप करना थ्री डॉट पे और करना है लोकल म्यूजिक पे टैप, स्वाइप अप कीजिए तो आप देखोगे सारे सॉन्ग जो आपने ऐड किए हैं यहां पे शो कर रहे हैं, आप देख सकते हो। और आपको जिसे प्ले करना है बस आपको इस पे टैप करना है और वो प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसे मुझे प्ले करना है अपने TWS में, अब आपको फोन को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, थ्री डॉट पे टैप करना है और ये जो लिखा हुआ है ब्लूटूथ उस पर टैप कीजिए, अपने ईयरबड्स को स्कैन होने दीजिए, पेयरिंग मोड में रखिए इसे। तो आप देख पा रहे हो OnePlus Nord Buds, तो आपको टैप करना है, ये कनेक्ट हो चुके हैं, एस करिए, अब जो म्यूजिक है इस बड्स में प्ले हो रहे हैं आप सुन सकते हो। और ये TWS आप तभी कनेक्ट कर पाओगे जब आप लोकल म्यूजिक ऑन रखोगे, अगर आपने फोन म्यूजिक किया तो ब्लूटूथ यहां पे अब आपको शो नहीं करेगा, आप देख सकते हो। आपको लोकल म्यूजिक पे सिलेक्शन करना पड़ेगा, जो वॉच में म्यूजिक है उसे प्ले करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको यहां पे शो करेगा ब्लूटूथ और आप फिर अपने ईयरबड्स को कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको इसे डिस्कनेक्ट करना हुआ तो आप तो इसे एक तो केस में डाल के इसे डिस्कनेक्ट कर सकते हो, या फिर यहां से अनपेयर करोगे फिर भी ये अनपेयर हो जाएगा।
तो अब जो म्यूजिक है अब प्ले होगा आपकी वॉच में ही। अब बात करते हैं मेन मेनू की, तो मेन मेनू को एक्सेस करने के लिए आपको इस पे प्रेस करना है बटन पे और ये मेन मेनू ओपन हो जाएगा। और सबसे पहले है स्टेप्स, फिर फोन कॉल, एचआर मेजरमेंट, स्लिप डेटा, SpO2, बीपी मेजरमेंट और फिर है वर्कआउट मोड। तो आप यहां से वर्कआउट को स्टार्ट कर सकते हो। यहां पे डिफॉल्ट आपको मिलेंगे वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्कीपिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्लाइंबिंग, टेनिस, रग्बी, गोल्फ, योगा, फिटनेस, डांसिंग, बेसबॉल, इलिप्टिकल, इंडोर साइकिलिंग, फ्री रनिंग, रोइंग मशीन। यहां पे आप एक साथ 19 वर्कआउट मोड को सेट करके रख सकते हो। अगर आपको ऐड करना हो तो प्लस के साइन पे टैप करके आपको मिलेंगे यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी। आपको जिस कैटेगरी में से स्पोर्ट्स को ऐड करना है उस कैटेगरी पे आपको टैप करना है। मान लो मुझे ऐड करना है सॉफ्टबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, तो जो आपने ऐड किए हैं अब आपको मिलेंगे ऊपर में। आप देख पा रहे हो यहां पे ऐड हो चुके हैं टेबल टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल और सॉफ्टबॉल, और जो नीचे थे पहले से वो यहां से रिमूव हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है आप जितना ऐड करोगे नए वर्कआउट उतने पुराने वर्कआउट नीचे से रिमूव हो जाएंगे। तो आप एक साथ यहां पे 19 वर्कआउट मोड को सेट करके रख सकते हो। हालांकि आपको मिलेंगे चॉइसेस 100+, लेकिन आप यहां पे केवल शो कर सकते हो 19 वर्कआउट मोड। और आपको अगर किसी वर्कआउट मोड को स्टार्ट करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है। 3 सेकंड के टाइमर के बाद वर्कआउट मोड स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको शो करेगा टाइम, फिर स्टेप्स, डिस्टेंस किलोमीटर में, किलो कैलोरी एनर्जी और आपका हार्ट रेट। स्वाइप करोगे तो आपका हार्ट रेट कौन से जोन में है यहां पे शो करता है, और वापस स्वाइप करोगे तो आप यहां से इसे पॉज कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो और यहां से इसे एंड भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ये डेटा सेव हो तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए करना है वर्कआउट, और जो भी वर्कआउट आप करोगे उसका रिकॉर्ड अगर आपको देखना हुआ तो आपको आना है एक्सरसाइज रिकॉर्ड में। और ये है वो वर्कआउट जो आपने किए थे, आपको जिसके बारे में डिटेल में जानना हो उस पर टैप कीजिए और आप यहां पे उसकी डिटेल यहां पे चेक कर सकते हो इस तरीके से। फिर है ब्रीदिंग वर्कआउट, तो आप यहां से ब्रीदिंग वर्कआउट कर सकते हो। आपको टैप करना है, जैसे ये सर्कल छोटा होता है बड़ा होता है उस तरीके से आपको सांस लेनी है छोड़नी है। अब सांस लेनी है और अब सांस छोड़नी है, जब छोटा होता है तब 8 बार आपको करना है इसे। स्टॉप करने के लिए बैक जाइए। फिर है शटर का ऑप्शन, तो आप इस पर टैप करके फोटो कैप्चर कर सकते हो अपने फोन में। टैप कीजिए या फिर शेक कीजिए, तो टैप करोगे उसके पहले आपके फोन में दा फिट ऐप ओपन होना चाहिए, लेकिन ओपन नहीं है तो टैप कीजिए आपको मिलेगी एक नोटिफिकेशन, आपको उस पर टैप करना है, कैमरा ओपन होगा, फिर आप टैप करके या शेक करके फोटो कैप्चर कर सकते हो। 3 सेकंड के टाइमर के बाद फोटो कैप्चर हो जाएगी। फिर है म्यूजिक प्लेयर जो हम देख चुके हैं। इसके बाद है अलार्म, तो जो भी अलार्म आपने सेट किए हैं आपके ऐप में यहां पे शो करेंगे, आप यहां से उसे ऑन ऑफ भी कर सकते हो। इसके बाद है स्टॉप वॉच, तो आपको स्टार्ट करना है, यह है लैप का ऑप्शन, आप मैक्सिमम यहां पे 8 लैप्स को क्रिएट कर सकते हो। स्टॉप कीजिए, रिसेट कीजिए, बैक आइए। फिर है टाइमर, तो आप यहां पे अलग अलग टाइमर को स्टार्ट कर सकते हो। मैक्सिमम यहां पे ऑप्शन है 2 आवर तक का, इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है टाइमर को। फिर है पीरियड ट्रैकर फीमेल लोगों के लिए, स्पेलिंग हालांकि यहां पे रॉन्ग है, तो आपका अगर पीरियड चल रहा होगा तो कलर में ये जो सर्कल्स होंगे शो करेंगे, तो ये है फर्स्ट डे या सेकंड डे आप यहां पे देख सकते हो। तो आपका जो मेंस्ट्रुअल डेज है ये चल रहा है 5 या 6 दिन के लिए। और फिर इसके बाद है कैलकुलेटर, आप यहां से भी यूज कर सकते हो। फ्लैश लाइट आप यहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर है QR कोड जो हम देख चुके हैं, अदर्स मतलब सेटिंग्स, तो आप यहां से भी एक्सेस कर सकते हो सेटिंग्स को। दोस्तों ये थे वो सेटिंग्स और फीचर्स जो आपको देखने मिलते हैं इस वॉच में, और ये था फायरबोल्ट विजनरी स्मार्ट वॉच का फुल सेटअप गाइड। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।